भी नहीं आपको दिख दिखता जबकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं हैं आप मेरी वीडियोस देखते तो आपको पता होगा कि मुझे हेयर ऑयल से बहुत ज्यादा एलर्जी है और बाल है वो ग्रे है प्रीमेचर ग्रेन है मुझे तो आ, कुछ उससे रिलेटेड है आ, मैं आपको अपनी पूरी एक वीडियो बताऊंगी की कैसे मैं अपने बालों की केयर करती हूँ हीप भी नहीं यूज करूंगी बिना हीप के यूज किए इतनी वॉल्यूमलेस आपको स्टाइलिंग बताऊंगी और देखिए जो ये वीडियो है इसमें मैंने बहुत सारी चीजें जो स्टेप्स बताए हैं सबकी एक अलग अलग वीडियो मैंने बनाई है एंड उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो है उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी अगर आपको किसी भी चीज का इसमें से डिटेल्ड एक वीडियो चाहिए होगी तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप चेक कर लीजिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आई होप आपकी हेल्प होगी इससे शुरू करने से पहले अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट्स अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो कुछ भी इसमें स्पॉन्सर्ड नहीं है अगर आपको कोई प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं है ज्यादा एक दो प्रोडक्ट्स है जो कि नॉर्मली आप लोग के पास होंगे मुझे ऐसा लगता है या yeah, शुरू करते हैं वीडियो एंड सो गाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे हेना मास से जो कि मेरे बालों की जान है इसके बिना मेरे बाल नहीं टिक पाते कॉज मेरे बालों मेरी स्कैल्प को हेयर ऑयल से एलर्जी है हेयर डाइज से एलर्जी है हर चीज़ से एलर्जी है तो ये हिना मास्क सालों से मेरे बालों को बचाए हुए है अब इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि इसे कैसे बनाना है होम मेड है कुछ ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं लगते अब मेरे को प्री मिक्चर ग्रेइंग की भी प्रॉब्लम है तो इसलिए भी मैं ये हिना मास्क लगाती हूँ एंड गर्मियों में तो आप इसे रोज़ लगा सकते हो ये इतना ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आपके थिन है ना तो डेफिनेटली इसको तो आप जरूर ट्राई करना एक बार अब मास्क लगाने के बाद उस पर कुछ पॉलीथिन या फिर शावर कैप अपनी जरूर लगाएं ताकि आपका मास्क जो है ना गीला रहे ताकि वो इफेक्टिव रहे जितने भी घंटे आप उसको लगा के रख रहे हैं सर पर तो अब मैं आपको यहां दिखा रही हूं ये देखिए ये बची हुई जो हीना रह जाती है ना तो ये ऐसे काली हो जाती है इसको धोना नहीं है मैंने इसको कभी नहीं धोया किसी भी चीज को जितना भी और ये आयरन का बाउल है आयरन का बाउल ही लेना है हम लोग को तो ये जो है ना ये ये कुछ भी गंदा नहीं है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको रखना है ठीक है इसी में ही दोबारा दोबारा आप मेहंदी भिगोएँ अपनी तो अब ये देखिए मैंने नॉर्मल वाटर से धो लिया है अपने बालों को अब आपको हल्की ऑरेंज ट दिख रही होगी कॉज मैंने शैम्पू नहीं किया है इसको अब आज के दिन जैसे मैं रहने देती हूँ नेक्स्ट डे जब आप देखेंगे ना तो ये और डार्क हो जाएगा डार्कर होता जाएगा जब तक आप शैम्पू नहीं करते तो शैम्पू मैं करूँगी नहीं तो अब मैं यहाँ पे अपने हेयर रोलर्स लगा रही हूँ इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है कैसे ये लिफ्टिंग देता है बिना किसी हीट के बिना किसी आ, केमिकल्स के आपके बालों को एकदम थिक्कर और वॉल्यूमलेस बनाता है इस पर भी पूरी डिटेल वीडियो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी तो ये देखिए मेरे बाल अब सूख चुके हैं अब मैं अपने रोलर्स जो है वो उतार दूँगी और मैंने जो वीडियो है थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया आपको दिखाने के लिए अब ये पूरे प्रोसेस में सिर्फ मैंने पानी यूज किया है या फिर अपना हेना मास्क और ये रोलर्स बस ना कोई शैम्पू यूज किया है ना कोई कंडीशनर यूज किया बिल्कुल रॉ फुटेज मैं आपको दिखा रही हूं जैसे मैं अपने हेयर की केयर करती हूँ तो शैंपू बेसिकली मैं दो तीन हफ्ते रुक के बाद ही लगाती हूँ मतलब ना मैं हर हफ्ते शैम्पू नहीं करती हूँ पर गर्मियों में जब ज्यादा बहुत ज़्यादा पसीना होता है मैं हिना नहीं लगा पाती हूँ तो देन डेफिनेटली मैं गर्मियों में अपने हेयर जो है वो शैम्पू से धो लेती हूँ बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हिना मास्क लगा रहे हैं कंटिन्यूस लगा रहे हैं हफ्ते में दो से तीन बार भी लगा रहे हैं, तो आपको शैम्पू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और एक मैंने अपना एक और लिक्विड बनाया था वो आप इसमें ज़रूर डालिए हिना मास्क में एंड फिर तो आपको बिल्कुल शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो नेचुरली क्लेंस करेगा आपके बालों को तो शैम्पू वग़ैरह जितना कम लगाएंगे उतने ज़्यादा कम आपके बाल झड़ेंगे प्लस यू नो स्ट्रॉग होंगे ये जो हीना मिक्स है ये सिर्फ़ हीना नहीं है इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स की हैं मैंने तो उसके लिए डिटेल्ड वीडियो है वो आप देख लीजिएगा मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ व्यूज़ के लिए नहीं कह रही हूँ सच में इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी स्कैल्प को बहुत हेल्दी बनाएंगी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें एक बारी एंड ये देखिए कैसे बिना हीट के ये रोलर्स से वॉल्यूम आती है बालों में अब जिनके थिन हेयर हैं उनको तो ये सब जरूर ट्राई करना चाहिए थिक हेयर मेरे थिक हेयर हैं तो आप देखिए मेरे थिक हेयर वालों को भी ऑब्वियसली क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए एंड ये देखिए बिल्कुल रॉ ऐसे हेयर है बिल्कुल मैंने कॉम नहीं किया तो देखिए कहीं ऑयल का कोई नामो निशान नहीं है ऑयल धुल चुका है स्कैल्प जो है टोटली क्लीन हो चुकी है एंड देखिए कितनी वॉल्यूम है बालों में अब यू you नो know, जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये जो आपको ऑरेंज टिंट दिख रहा है ये धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाएगा ठीक है ना तो मुझे इसकी परवाह नहीं है और जिस दिन मैं शैम्पू करूँगी उस दिन आपको बिल्कुल ये टिंट नहीं दिखेगा कॉज ऑब्वियसली पता नहीं है क्या है जो भी है मैं आपको सारी डिटेल बता रही हूँ कि जैसा होता है मेरे बालों के साथ तो ये देखिए ये आपके सामने है आ, आ, बिना शैम्पू एंड कंडीशनर के आपके बाल यू नो धुल जाएंगे साफ हो जाएंगे प्लस झड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी अगर आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम है ना तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें मुझसे हर कोई पूछता है मैं हर किसी को यही बताती हूँ बिकॉज मेरे पास यही है इसने मेरे बालों पे चमत्कार किया तो क्यों ना मैं सबको बताऊँ तो मैं इसीलिए यही चीज़ बताती हूँ ना कोई हेयर ऑयल बताती हूँ ना कुछ बताती हूँ मुझे बस ये हेयर मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये देखिए ये दो दिन बाद की फुटेज है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाल अभी भी कैसे अच्छे से हैं बिना शैम्पू बिना कंडीशन के थोड़ी लाइटिंग की कमी है बट आपको दिख रहा होगा सो दिस वॉज तो वीडियो आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी जो सारी वीडियोस है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेक कर लीजिएगा